इंसानियत। सड़क पर गिरा 50,000 रुपया तो पुलिस ने थाने में लाकर व्यवसायी को दिया पैसा। बताया जाता कि संदीप शाह जो चावल व्यवसायी हैं अपने बाइक पर झोले में 3,15,000 रुपया लेकर जा रहे थे। झोला फटा हुआ था जिससे 1,00,000 रुपया गिर गया, पर व्यवसायी को पता नहीं चला। गिरे हुए पैसे को लड़के चुनने लगे तो दो पुलिसकर्मी उसी रास्ते से आ रहे थे। पैसे देख बच्चों को डांट लगाते हुए पैसे ले लिए और थाने में लाकर जमा कर दिया और सभी को सूचित किया गया कि किसी भी व्यक्ति का पैसा हो तो आकर थाने से ले जाएं। सूचना पर संदीप शाह पहुंचे और कैमूर एसपी ने अपने हाथों से पैसे लौटाए और दोनों पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा किया। पैसे लेकर व्यवसायी खुश हैं, पर अभी भी 50,000 कहीं गिर गया जिसका मिलने का इंतजार है। मार्केट से तहसील का अपने घर ले रहे थे पैसा किसानों को देने के लिए, और उसमें 3,15,000 था रुपया, हमारा 1,00,000 रुपया गिर गया है। 50,000 कहाँ गिर गया? 50,000 मेरा मिल रहा थाना के मतलब अधिकारी लोग पाए हुए हैं, हमको मिल गया, हम लेकर जा रहे थे, मिल गया। अब मेरा 50,000 नहीं खो गया, नहीं मिल रहा। अभी पता है इसके लिए थाने का अधिकारी लोग दिए हुए हैं, साहब दौड़ा बाबू एस पी साहब हमारा दिवाए पीछा मिल गया था। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? एसपी साहब को, पुलिस साहब को बहुत धन्यवाद है। लोग साहबों का हमारा पैसा डूबा हुआ अपना गिरा हुआ पैसा मिल गया 50,000 कम से कम। क्या नाम है? अच्छा क्या नाम है आप? कहाँ का? हमारा दिलीप साहब, पंकज राइस मिल है, भगवान घर है, मुखरी भगवान रहते हैं वार्ड नंबर 1 में। ये हमारे दो पदाधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी कोर्ट में है, वो बासुकीनाथ और एक अशोक कुमार, दोनों अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे कोर्ट में। एक सड़क पर पैसा गिरा हुआ था जो एक लड़का उठा रहा था, उनकी नज़र पड़ी, ये तत्काल उसको पैसे को लेकर के थाना में जमा करी और थाना के माध्यम से और साइबर सेनानी ग्रुप पर ग्रुप पर भी दिया गया कि जिसका पैसा किसी ग्राम में ये नहीं दिया कितना अमाउंट है। बाद में एक ये दिलीप साहब है, चावल व्यवसायी है, ये आया और बताया कि मेरा पैसा ये 3,00,000 रुपये बैग में लेके जा रहा था, झोला फट गया था, नीचे से मोटरसाइकिल पर गिर रास्ते में गिरते हुए चला गया था, 1,00,000 रुपये इनके गिरा था। 50,000 रुपये थे पुलिस को के हाथ लगा था, बरामद किया गया और इनको सपोर्ट किया गया। बाकी 50,000 कहाँ गिरा है और क्या हुआ तो सीसीटीवी से देख रहे हैं, भी मिल जाएगा। ऐसे पुलिसकर्मियों, ये दोनों पुलिसकर्मियों ने काफ़ी ईमानदारी का सबूत दिया है, इन दोनों के लिए हम दोनों को प्रसन्न। सर ऐसा कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। Nation 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल Nation 24 के साथ। नमस्कार।